करें शुरू आज की क्लास। ठीक है, टॉपिक का तो नाम प्रपोजिशन ही है। प्रपोजिशन कुछ टाइप तो अपनों ने कर ली है, कुछ बकाया है। एक तरफ करेंगे टू को और एक तरफ करेंगे किसको, फ्रॉम को। ठीक है, एक तरफ टू को करेंगे, एक तरफ फ्रॉम को करेंगे। दोनों ही प्लेस को इंडिकेट करते हैं, प्लेस यानी कि स्थानों को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, जगहों के लिए यूज होते हैं। जब किसी भी स्थान से ज्वाइन होते हैं, ज्वाइन होना यानी कि जुड़ना, तो किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। दो वाक्य बोलूं, जैसे कि राम शिमला जा रहा है, तो क्या राम किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस ज्वाइन होने के लिए जा रहा है? जा ही तो रहा है। जाने जाते हैं तो किसी से ज्वाइन होते हैं, आते हैं तो किसी से अलग होते हैं। ठीक है, और ये जो फ्रॉम होता है ना, ये अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। अगर किसी स्थान से अलग हो रहे हैं तो किसका यूज़ करेंगे, फ्रॉम का करेंगे। किसी स्थान से जुड़ते हैं तो टू का यूज़ किया जाता है। ओके, लिखिए इन दोनों के बारे में डिस्क्रिप्टिव तौर से। दो प्रपोजिशन एक साथ करवा रहा हूँ, टू और फ्रॉम। टू जब किसी स्थान से जुड़ते हैं, टू का यूज करेंगे जब किसी स्थान से जुड़ते हैं तो। और इसका ऑपोजिट हो जाएगा फ्रॉम, जब किसी स्थान से अलग होते हैं तो फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज करते हैं। फ्रॉम यानी कि जब किसी स्थान से अलग होते हैं। ओके, वाक्य आपको ऐसे दे दे, जैसे कि हरी एंड मोहन आर गोइंग टू लंदन फॉर देयर फर्दर स्टडी। क्या आना चाहिए? ऑप्शन ये दो हैं आपके पास, टू और फ्रॉम। हरि और मोहन जा रहे हैं लंदन को अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए, फॉर फर्दर स्टडी। ओके, तो देखो हरि और मोहन लंदन जा रहे हैं, यानी कि लंदन से जुड़ेंगे। जुड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखना है, दोनों ज्वाइन करने के लिए यूज होते हैं। ये सेंटेंस उतारिए, फिर कुछ और करवाते हैं इनसे रिलेटेड आपको। हरि एंड मोहन आर गोइंग टू लंदन फॉर देयर फर्दर स्टडी। ओके, ठीक है भाई, ये टू है ना, ये काफ़ी सारी वर्ब होती हैं जिनके साथ आता है टू। बहुत सारी ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ यूज होता है, जैसे कि किसी सेंटेंस में गो मिले, गोज मिले, गॉन मिले, वेंट मिले, गोइंग मिले, से, सेज, सेड, इन सब के साथ आता है। इन सभी वर्ब के साथ किसका यूज होता है, टू का यूज होता है। ठीक है, गो के साथ भी टू आता है, गोज के साथ भी टू आता है, गॉन, वेंट, गोइंग, से, सेज और सेड, इन सब के साथ टू आता है। बट कुछ ऐसी वर्ब होती है जिनके साथ ये नहीं भी आता है, जैसे कि ये कभी भी आस्क, आस्क्स और आस्क्ड, इन तीनों के साथ यूज नहीं होता है। और किसके साथ नहीं होता है, टेल, टेल्स, टोल्ड के साथ भी नहीं आता है, स्टेटेड, स्टेटेड के साथ नहीं आता है, एक्सप्लेन्ड के साथ भी इसका यूज
नहीं किया जाता, ये गलती पूछी जाती है, इनके साथ टू लगा कर, इनके साथ टू आता ही नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ वर्ब है जिनको आप याद रखो कि किसके साथ टू आता है, किसके साथ टू नहीं आता है, ठीक है, आसान बन जाएगा। लिख लीजिए, स्टेटेड, स्टेटेड होता है एक अवस्था, और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यूज होता है स्टेटेड। एक्सप्लेन्ड, एक्सक्लेम्ड भी होता है एक, और भी होते हैं इसके साथ, रिक्वेस्टेड आता है, रिक्वेस्टेड के साथ भी नहीं आता ये। तो मैंने कुछ आपको वर्ब लिखाई हैं जिनके साथ टू का यूज़ होता है, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ टू का यूज़ नहीं भी होता है, और इनके साथ एरर पूछी भी जाती है, दे दिया जाता है इनके साथ भी। ओके, तो कुछ ऐसी वर्ब जिनके साथ टू आता है, कुछ ऐसी वर्ब जिनके साथ टू नहीं आता है, दोनों को आपको याद रखना है। अब चलते हैं फ्रॉम पे। फ्रॉम भी ऐसी कुछ वर्ब है जिनके साथ आता है, ठीक है, कुछ ऐसी अंग्रेजी की वर्ब है जिनके साथ फ्रॉम आता है, जैसे कि कम वर्ड लिखा हुआ है, इसके साथ आप किसका यूज़ करेंगे, फ्रॉम का करेंगे। कम्स के साथ में क्या यूज होगा, फ्रॉम यूज होगा। कमिंग के साथ में किसका यूज होता है, फ्रॉम का यूज होता है, ठीक है। इन तीनों वर्ब के साथ में किसका यूज है, फ्रॉम का यूज करेंगे। ये तो हो गया फ्रॉम का पहला यूज। फ्रॉम का एक और यूज भी होता है कि फ्रॉम सोर्स बताने के लिए यूज होता है, सोर्स, सोर्स यानी कि स्रोत, स्रोत इसके लिए भी यूज होता है, जैसे कि इन अर्ली डेज कमी नहीं हुआ, पुराने दिनों में, बीते हुए दिनों में, पास्ट को बताता है ये, एक वो है अपने फ्रेज बोल सकते हैं या इसको एडवर्ब भी बोल सकते हैं। इन अर्ली डेज वुमन ब्रॉट द वॉटर फ्रॉम पॉन्ड, कि पुराने दिनों में महिलाएं पानी लाती थी कहाँ से, तालाब से, ठीक है। तो पुराने दिनों में वाटर का सोर्स क्या होता था, स्रोत क्या होता था, तो स्रोत होता था पॉन्ड, इसलिए इससे पहले किसका यूज हुआ है, फ्रॉम का यूज करेंगे, ठीक है, कि सोर्स को बताने के लिए, स्रोत को बताने के लिए भी प्रपोजिशन कौन सा आता है, फ्रॉम आता है। इसकी हिंदी बोलोगे तो क्या बोलोगे, से बोलेंगे, से, मैं दिल्ली से आ रहा है, ही इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। इसको बोलते हैं को, इसको क्या बोलते हैं, को बोलते हैं। राम इज गोइंग टू मार्केट, राम मार्केट को जा रहा है। कहानी समझ में आ रही है, ठीक है, उतारिए सेंटेंस, उतारिए साथ में दूसरा तरीका भी उतारिए फ्रॉम का, सोर्स को बताने के लिए फ्रॉम का यूज होता है। अब आपका थोड़ा सा काम बढ़ा दिया जाए, काम ये है कि इस वाक्य में गलती है तो बताना। इन अर्ली डेज वुमन ब्रॉट, ड्रॉट नहीं, ब्रॉट करो इसको, ब्रिंग ब्रॉट, ब्रॉट है ना, वुमन ब्रॉट द वॉटर फ्रॉम पॉन्ड, वाटर से पहले दा नहीं आएगा, ठीक है, स्पेशल पानी बनेगा, होली वाटर है फिर तो दा लगाएंगे, पवित्र पानी, ये तो नॉर्मल वाटर है, नॉर्मल वाटर के साथ दा का यूज नहीं होता है। ओके, छोटी छोटी गलतियाँ हैं, ध्यान रखा करो। ओके, तो समझ में आ गए होंगे, टू और फ्रॉम छोटे छोटे हैं, किसी स्थान से जुड़ते हैं तो टू का यूज़ करेंगे, अलग होते हैं तो फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। कुछ वर्ब हैं जिनको मैंने आपको बताया कि किसके साथ टू आता है, किसके साथ टू नहीं भी आता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ वर्ब हैं जो फ्रॉम को,
साथ में लेके आती हैं, जैसे कम कम्स और कमिंग आ जाए। ओके, और ये सोर्स को भी बताता, सोर्स यानी कि स्रोत को बताता है। ओके जी, अब चलते हैं थोड़ा और आगे। एक तरफ है बिफोर और एक तरफ है इन फ्रंट ऑफ, दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। सिमिलर यानी कि एक दूसरे के जैसे यूज है इनके। देखिए इससे क्या पूछेगा, इससे आपको जैसे फ्रंट ऑफ दे देगा तो इन पूछ लेगा, ठीक है, इन फ्रंट दे दिया तो ऑफ पूछ लेगा, या इस ऑफ की जगह ये भी पूछ लेगा, ठीक है। तो इन फ्रंट ऑफ के साथ ये वाला ऑफ आता है, ये वाला कभी नहीं आएगा, एक तो ये ध्यान रखोगे। आई बात समझ में, सिंगल एफ आता है, एफ एफ नहीं आता है, ठीक है, ये वाला ऑफ नहीं आएगा, एक तो ये। बिफोर, बिफोर के वैसे दो तरीके होते हैं अंग्रेजी में आने के, कुछ जगहों पे तो क्या बनता है, कंजंक्शन बनता है कुछ जगहों पे, प्रीपोजिशन भी बनता है। बता सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होगा, जब बिफोर कंजंक्शन भी बनेगा और जब बिफोर प्रपोजिशन भी बनेगा। वाक्य लिखें दो, चलिए दो वाक्य लिखते हैं पहले, उनसे और समझते हैं। द टीचर ब्रॉट मी बिफोर द प्रिंसिपल, एक तो ये है, दूसरा है द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। बताइए, दोनों में बिफोर का यूज किया है, यहाँ पर भी बिफोर है, यहाँ पर भी बिफोर है। कौन सा कंजंक्शन है, कौन सा प्रपोजिशन है? सेकंड वाला आप बोल रही हो कंजंक्शन, ऊपर वाला प्रपोजिशन हो जाएगा फिर, ठीक है। प्रपोजिशन बनेगा तो बिफोर के बाद क्या आएगा, नाउन आना चाहिए। कंजंक्शन बनेगा तो एक वाक्य पहले होगा और एक वाक्य बाद में होगा, तो चेक कर लीजिए। इस बिफोर के बाद द प्रिंसिपल आया, ये अपने आप में क्या है, नाउन है। इस बिफोर से पहले भी एक सेंटेंस है और बाद में भी एक सेंटेंस है, इसलिए ये वाला कंजंक्शन है, ठीक है। तो बिफोर आपको दो जगह पर मिलेगा, कंजंक्शन के रूप में भी मिल सकता है और प्रपोजिशन के रूप में भी मिल सकता है, ठीक है। प्रपोजिशन बनेगा तो हिंदी बनेगी के सामने, प्रपोजिशन यूज होगा तो इसकी हिंदी बनेगी के सामने, कंजंक्शन बनेगा तो बनेगा के पहले। टीचर मुझे ले गया प्रिंसिपल के सामने, ठीक है, ट्रेन जा चुकी थी मेरे पहुंचने से पहले। ओके, तो कंजंक्शन आए तो हिंदी इसकी डिफरेंट होती है, प्रपोजिशन बने तो बिफोर की हिंदी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और कंजंक्शन का तो रूल भी है इसका, पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, फिर सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म आती है, कंजंक्शन बनता है तो बिफोर का तो एक रूल भी तो है जो मैंने करवाया हुआ है, उतारिए। मैं आपको दो प्रपोजिशन एक साथ करवा रहा हूँ, पहला है बिफोर, दूसरा है इन फ्रंट ऑफ। हाँ, C1, J1, CTIUN, कंजंक्शन, ठीक है। तो बिफोर आपको अंग्रेजी में दो जगहों पर यूज मिलेगा, एक कंजंक्शन में मिलेगा, एक प्रपोजिशन भी मिलेगा। प्रपोजिशन जब यूज होगा जब ये सिर्फ नाउन को जोड़े, कंजंक्शन तब यूज होगा जब दो वाक्यों को जोड़े। कंजंक्शन में इसकी हिंदी बनेगी के पहले, प्रपोजिशन में आप इसको बोलोगे के सामने। ओके, दूसरी तरफ लिखा हुआ इन फ्रंट ऑफ,
इससे लेकर भी कई सारी गलतियां पूछ ली जाती हैं। एक तो ऑफ का ध्यान रखेंगे, सिंगल ऑफ आएगा, डबल ऑफ वाला एफ वाला नहीं यूज होगा। इसका भी मतलब होता है के सामने, इसका भी क्या मतलब होता है कि सामने ही होता है, ठीक है। ये जो फ्रंट लिखा हुआ है ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है, ठीक है। पहले इन आएगा, फिर फ्रंट आएगा, फिर ऑफ आएगा, बनेगा के सामने। जैसे कि एग्जांपल मैं यहां देता हूं, देयर इज अ ह्यूज गार्डन इन फ्रंट ऑफ माय हाउस, मेरे घर के सामने एक बड़ा सा पार्क है, गार्डन है, ठीक है। आपने किसका यूज कर लिया प्रेपोजिशन का, इन फ्रंट ऑफ, यानी कि किस सामने, इसका किस सामने भी होगा। तो दोनों एक जैसे ही यही है, इन फ्रंट ऑफ भी लगाते हो तो भी सही माना जाता है, बिफोर लगाते हो तो भी सही माना जाता है, दोनों सही है। आगे समझ में, तीनों एग्जाम्पल उतार लिए या नहीं उतारे? आलसी लोगों की वैसे कमी नहीं है। इसका ऑपोजिट क्या होता है, इन दोनों का ऑपोजिट लिखना हो? एक बिफोर का तो आफ्टर हो जाता है, के बाद में हो जाएगा। इन फ्रंट ऑफ का भी किया आफ्टर लगा दे तो भी चलता है, वैसे बिहाइंड होता है, बिहाइंड है ना, बिहाइंड के पीछे। उतार लिए, ठीक है भाई, उतार लिए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए कुछ वर्ड है जिनके लिए आप प्रपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे कि एक आता है ब्रिज, एक आता है रोड, एक आता है फुटपाथ, तीनों का मतलब तो पता ही है। ब्रिज का हो गया पुल, रोड का सड़क, और फुटपाथ का हो गई पगडंडी, जिस पैदल चलने वाले लोग, ठीक है। अगर आप ब्रिज के ऊपर हैं तो आप किसका यूज करते हैं, ऑन द ब्रिज बोलते हैं। अगर आप ब्रिज के नीचे हैं तो क्या बोल लेंगे, अंडर द ब्रिज बोल देते हैं, ठीक है। ये तो हो गया ये। और रोड के ऊपर अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, रोड पर आप ड्राइव कर रही हैं तो किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे, ठीक है। रोड पे आप पैदल चल रहे हैं, बाई फुट है आप, तो आप अलोंग का यूज करेंगे, किसका यूज होगा, अलोंग का। रोड पर अगर पैदल चल रहे हो, वॉकिंग कर रहे हैं, मान लो वॉक कर रहे हो, तो आप अलोंग द रोड हो, ठीक है। ड्राइव कर रहे हो तो ऑन द रोड होते हैं, ठीक है। फुटपाथ पे अगर आप वॉक कर रहे हैं तब भी किसका यूज करेंगे, ऑन द फुटपाथ बोलते हैं। और फुटपाथ पर ड्राइव कर रहे हैं तो हो ही नहीं सकता, फुटपाथ पे ड्राइव थोड़ी होती है, ठीक है। फुटपाथ पे कोई ड्राइव नहीं होती है, ओनली क्या होता है, पैदल स्ट्रीट के लिए बना होता है, पैदल चलने के वालों के लिए, तो किसका यूज होता है, ऑन का यूज होता है। फटाफट उतारिए इनको। ब्रिज के ऊपर है तो ऑन द ब्रिज, ब्रिज के नीचे है तो अंडर द ब्रिज। ओके, रोड, रोड पे अगर ड्राइव कर रहे हैं तो आप ऑन हैं, और वॉक कर रहे हैं तो आप अलोंग हैं। और फुटपाथ के लिए आप ऑन चलेंगे, ऑन। ओके भाई, ये तीन चीजें तो हुई क्लियर, इनके लिए प्रपोजिशन आते ही आते रहते हैं। इसका क्या लिखोगे,
क्या आना चाहिए या इनटू, बोलिए। देयर इज अ ब्रिज डैश द गंगा रिवर, गंगा रिवर नदी के ऊपर एक पुल है, ठीक है, तो ओवर हो जाएगा। नदी के ऊपर पुल है तो ओवर है, उस पुल पर आप हैं तो आप ऑन है, ठीक है। सर आपने बताया था कि अगर छू लेना मतलब पानी इसको, हाँ तो छू मतलब होता है कि ऊपर होते हैं पानी के। देखो दो कंडीशन बनेगी, जब छुएगा तो दो कंडीशन बनेगी, एक करेगा कवर, एक वस्तु दूसरी वस्तु को ढकेगी, तब तो किसका यूज होगा, ओवर का यूज होगा। टच कर रही है बट कवर नहीं कर रही है, फिर किसका यूज होगा, ऑन का यूज होगा, ठीक है। किताबें टेबल पर हैं तो किताबें कवर थोड़ी कर रही हैं, सिर्फ क्या कर रही हैं, छू रही हैं, इसलिए किताबों के लिए कौन आता है, ऑन द टेबल आती है। ओवरफ्लो हो जाएगा, वो तो ओवरफ्लो हो जाता है, वहाँ अधिकता भी तो हो रही है ना वहाँ पर, किसी चीज़ की अधिकता को बताने के लिए भी किसका यूज, ओवर का यूज़ किया जाता है, वो तो अधिकता हो गई। सिर्फ टच कर रहा है तो ओवर नहीं आएगा, ऑन आएगा। हाँ सिर्फ टच कर रहा है, कवर ना करे तो ऑन आएगा, टच भी कर रहा है और कवर भी कर रहा है, फिर किसका यूज होगा, ओवर का होगा, ठीक है। ओके इज ओके, ठीक है। तो इस सेंटेंस में क्या आना था, ओवर आना था भाई, ओवर। चलिए आगे करते हैं, इनटू करते हैं, इनटू, इनटू इनका मतलब होता है मे, टू साथ में लगा दिया तो बन गया मे से, मे से। इनटू यानी कि मे से, कोई ऐसा प्लेस जो दो या तीन ओर से घिरा हुआ हो, कोई ऐसा प्लेस जो दो तीन या चारों ओर से क्या हुआ हो, घिरा हुआ हो, उसके अंदर मोशन के साथ गति के साथ प्रवेश करना या बाहर निकलना हो तो कौन से प्रपोजिशन का यूज होता है, इनटू का यूज होता है, ठीक है। देखो इन जो होता है ना उसका मतलब होता है कि आप मेंटली एंड फिजिकली उसके अंदर हो, जैसे कि आप ड्राइव कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ड्राइव, तो आप मेंटली एंड फिजिकली उसी व्हीकल के अंदर बैठे हो ना, तो आप क्या हो जाओगे, इन द कार हो गए आप, ठीक है। अब आप गाड़ी से उतरो या गाड़ी में चढ़ो तो आप क्या हो, इनटू, तब आप क्या हो, इनटू। यानी कि कोई ऐसी जगह जो तीनों चारों ओर से घिरी हुई है उसके अंदर प्रवेश करना या बाहर निकलना हो मोशन के साथ गति के साथ तो प्रपोजिशन कौन सा, इनटू यूज होता है। लिखिए डिस्क्रिप्टिव, ऐसा कोई प्लेस जो तीनों या चारों ओर से घिरा हुआ हो उसके अंदर या बाहर मोशन के साथ प्रवेश करना हो तो प्रपोजिशन इनटू का यूज करेंगे, हो तो प्रपोजिशन इनटू का यूज करेंगे। ठीक है, ओके। अब कुछ ना ऐसे वर्ड भी है, शब्द भी हैं जो इस हरकत को बताते हैं, जैसे कि टर्न, टर्न के साथ आप किसका यूज करोगे, इनटू का यूज करोगे तो सही माना जाता है, ठीक है। एक वर्ब आती है चेंज, इसके साथ भी किसका यूज होगा, इनटू का यूज होता है। एक वर्ब आती है जिसका नाम है ट्रांसलेट, इसके साथ भी किसका यूज, इनटू का यूज करेंगे। एक वर्ब आती है जंप, इसके साथ भी किसका यूज, इनटू का यूज होता है, ठीक है। जैसे कि वाक्य है ड्यू टू हैवी हीट, भारी गर्मी के कारण द आइस टर्न डैश वाटर, बर्फ बदल गई किसमें, पानी में, तो टर्न के साथ कौन सा प्रपोजिशन, इनटू लिख सकते हैं आप, तो गलत नहीं माना जाएगा। ओके तो ड्यू टू हैवी हीट
भारी गर्मी के कारण द आइस टर्न इनटू वाटर, बर्फ बदल गई पानी में। एक तो ये हो गया, बट कुछ वाक्य अजीब तरीके से भी पूछे जाते हैं, वो भी चेक कर लेते हैं। When I was entered into the temple, I saw a number of beggar there. जो ही मैंने या जब ही मैंने मंदिर में प्रवेश किया तो मैंने देखा काफी सारे बैगर्स यानी कि भिखारी वहां पर। तो इस सेंटेंस में क्या हुआ है कि एंटर वर्ड के साथ इंटू का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है? एंटर का भी मतलब प्रवेश करना होता है, इंटू का भी मतलब प्रवेश करना होता है। तो ध्यान में रखेंगे ये निषेध है, निषेध यानी कि प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड मीन्स कि लागू नहीं होती ऐसी कंडीशन। एंटर के साथ कभी भी इंटू का यूज नहीं किया जाता, ओनली एंटर रखिए यहाँ पे। ओके, तो नोट लगा के लिख सकते हैं यहाँ पर कि एंटर वर्ड हो या एंटर्ड, ईडी भी लगा हुआ हो, दोनों के साथ आप प्रपोजिशन इंटू का यूज नहीं करेंगे, बस। ओके, नोट ये है कि एंटर वर्ड हो चाहे एंटर्ड वर्ड हो, इन दोनों के साथ ही आप इनटू प्रपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। इनके साथ तो होगा, ठीक है। इसमें एक गलती है, वेरी गुड। दो मैंने आपको बताए थे, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, दोनों के साथ नाउन प्लूरल रहता है, तो बैगर्स आना चाहिए, बैगर्स। ध्यान रखेंगे ये रूल है, ए नंबर ऑफ के साथ भी नाउन प्लूरल, द नंबर ऑफ के साथ भी नाउन प्लूरल आएगा, तो बैगर्स बनेगा ना कि बैगर। ओके, बैग होता है भिक्षा मांगना। क्या मांगना? भिक्षा मांगना, डबल जी ई आर लगा दो तो बन जाएगा भिक्षा मांगने वाले या वाला, बैगर्स भिखारी। क्या बोलना? बस ये सिर्फ इसी वर्ड को यूज कीजिए, आप इन्हीं शब्दों को रखिए, इनके साथ ये मत लिखिए, इनटू मत लिखो इनके साथ, सीधा बन जाएगा। व्हेन आई एंटर्ड इन द टेंपल आई सॉ ए नंबर ऑफ बैगर्स देयर, जो ही मैंने प्रवेश किया मंदिर में मैंने देखा काफी सारे भिखारी लोगों को वहां पर। ओके, ठीक है भाई, तो ये था आपका इनटू। इनटू को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, और मैंने एक दिन पहले भी बताया था आपको, क्या बताया था कि मान लो रिवर है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिवर है, रिवर यानी कि नदी, रिवर यानी कि नदी, नदी के अंदर अगर आप छलांग लगाते हो तो आप यूज करेंगे इनका। किसका यूज होगा? इनका यूज होगा। नदी में से छलांग लगाते हो यानी कि बाहर की ओर छलांग लगाते हो तो किसका यूज करेंगे? इनटू का। ओके, इतना जरूर ध्यान रखिए, किसी में भी हो, रिवर हो, वॉल हो, वॉल यानी कुआं हो, ठीक है, ऐसा कोई भी प्लेस जो चारों ओर से घिरा हुआ हो उसके अंदर इन, बाहर इनटू। जीप में बैठे, कार में बैठे हुए हैं आप, तो आप इन हैं। कार से उतरते हो तो आप क्या हो? इनटू हो। कार में चढ़ते वक्त भी आप क्या हो? इनटू। आई गॉट इनटू द कार, मैं कार से उतरा तो आई गॉट इनटू द कार। आगे कहानी समझ में? हाँ, बस। तो नदी में बाहर अंदर वाला ये सीन पता होना चाहिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है द फ्रॉग जंप्ड इनटू द जग या इन द जग। जब जग के अंदर छलांग लगाएगा तो इन हो जाएगा, जग में से छलांग लगाएगा तो इनटू हो जाएगा। डन, चलो फिर आगे चलते हैं। ये तो हो गए, नेक्स्ट लिखिए ऑन। ऑन
ऑन का भी मतलब क्या होता है? ऊपर होता है, ऊपर। इसके बारे में लिख लो, एक वस्तु दूसरी वस्तु को टच करे बट कवर ना करे, एक वस्तु दूसरी वस्तु को टच करे बट कवर ना करे, तो ऐसी कंडीशन में प्रपोजिशन ऑन का यूज करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में प्रपोजिशन ऑन का यूज करें, छुएगी तो सही बट कवर नहीं करेगी, घेरेगी नहीं उसको, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में किसका यूज? ऑन का यूज होगा। ये तो हो गया एक नंबर यूज ऑन का, ठीक है। दूसरा इसका यूज होता है ये है कि फेस्टिवल के नाम से पहले किसका यूज होता है? ऑन का यूज होता है। लिख लीजिए, फेस्टिवल्स के जितने भी नाम हैं उनसे पहले किसका यूज? ऑन का यूज होता है। तो लिखते हैं ना, ऑन दिवाली, ऑन होली, ऑन क्रिसमस, ऑन ईस्टर। ये क्वेश्चन ईस्टर वाला पूछा गया है, ऑन ईस्टर, ठीक है। और तीसरा कर लीजिए, डेज के नाम से पहले, डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ऑन संडे। इसमें फर्क आ जाता है संडे वाले में थोड़ा सा, अगर वो ऐसा लिख देना, एक तो लिखा हुआ संडे, एक लिखा हुआ संडे मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग, संडे से पहले तो ऑन, संडे मॉर्निंग से पहले इनका यूज करेंगे। अगर डेज के नाम के साथ पार्ट्स ऑफ द डे आ जाए, क्या बोला? अगर डेज के नाम के साथ पार्ट्स ऑफ द डे आ जाए तो प्रपोजिशन चेंज हो जाता, ऑन ना होकर के आ जाएगा इन आ जाएगा। फिर पार्ट्स ऑफ द डे मतलब मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, ठीक है। तब किसका यूज करेंगे? इनका यूज करेंगे, अन्यथा ऑन ही रहेगा, ठीक है। तो तीनों पॉइंट्स को आपको याद रखना है, जब वस्तु एक दूसरे को टच करे बट कवर ना करें तो कौन आएगा? ऑन आएगा। वेरी गुड। हाँ, वो उसके साथ आप कंडीशन पे डिपेंड करता है। उनसे पहले तो अगर जैसे पहले लगा हुआ है, एडवर्ब क्या होती है? वो एडवर्ब होती है, एडवर्ब अगर पूरे सेंटेंस को प्रभावित करती है ना, फिर तो उसको लगाएंगे शुरुआत में, ठीक है। जैसे टुमैरो शुरू में लगा दिया, उससे पहले कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होगा। अगर पूरे सेंटेंस से उसका कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं है तो इसको लास्ट में लगाएंगे, तब उसको कहाँ लगा देंगे? लास्ट में लगा देंगे। इनका कोई मतलब प्रपोजिशन से लेना देना नहीं होता। फेस्टिवल के नाम से पहले ऑन का यूज़ किया जाता है, डेज के नाम से पहले ऑन का यूज़ किया जाता है, बट डेज के नाम के साथ पार्ट्स ऑफ द डे आ जाए तो इन आने लग जाएगा। ओके, ठीक है भाई, उतार लिया ये ऑन। चलिए अब थोड़े और करते हैं, वो तीनों को एक साथ करते हैं। एक तो आ गया बिहाइंड, बिसाइड, और एक होता है बिसाइड्स, एस लगता है एक के साथ तो थोड़ा बदल जाता है। बिहाइंड का मीनिंग होता है के पीछे, ओके। बिसाइड का मतलब होता है के पास में, के पास में, और बिसाइड्स का मीनिंग होता है के अलावा या के अतिरिक्त भी बोल दिया जाता है, के अतिरिक्त। राम के अलावा श्याम भी मौजूद था पार्टी में, तो किसका यूज करेंगे? बिसाइड्स का यूज करेंगे। राम पार्टी में मेरे बिल्कुल पास में बैठा हुआ था, तो बिसाइड हो जाएगा। राम मेरे पास नहीं, राम मेरे पीछे बैठा हुआ था, नॉट बिसाइड, बिहाइंड, ओके। इस तरीके से इन तीनों का यूज किया जाता है। तो थोड़ा मीनिंग का तो ध्यान रखेंगे रखेंगे, बिहाइंड यानी कि के पीछे, बिसाइड यानी कि पास में, बिसाइड्स यानी कि के अलावा, बिसाइड्स सीता, गीता also got above the
90% marks in final term. बताना जरा, बिसाइड सीता, सीता के अलावा गीता ने भी, ये ने भी जो लिखा है ना, ये क्या है, ऑल्सो आया है, ठीक है, ने भी प्राप्त किए 90% से ऊपर मार्क्स कौन से एग्जाम में, फाइनल टर्म के जो एग्जाम होते हैं उनमें. क्या सही है? बिल्कुल सही है. के अलावा बोल रहा हूँ मैं, तो बिसाइड अपनी जगह पर सही लगा हुआ है. ओके चलिए एक और लिखते हैं क्वेश्चन. हेयर इज अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग डैश माय हाउस. एक नंबर बिहाइंड, दो नंबर बिफोर, तीन नंबर बाय, चार नंबर ऑल ऑफ दीज. क्या आना चाहिए? हियर इज द हिस्टोरिकल बिल्डिंग डैश माय हाउस. हम मेरे घर के पीछे हैं, मेरे घर के सामने हैं, या बाय है, या ऑल ऑफ दीज है, वो आप क्लियर कीजिए. क्या आएगा? बिहाइंड. बिफोर नहीं आ सकता, के सामने आ सकता है ऑब्वियसली. देखो ये जो तीनों ना, बाय, बाय का शायद मैंने ये यूज बताना भूल गया मैं, बाय को भी किसके लिए यूज किया जाता है? नियर नेस, नजदीकता को बताने के लिए किसका यूज होता है? बाय का भी यूज होता है, नजदीकता. ठीक है, तो ये तीनों आ सकते हैं. तो आंसर क्या बनेगा? चार नंबर बनेगा आपका, ऑल ऑफ दीज, ये सारे आ सकते हैं. आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इज अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग बाय माय हाउस, मेरे घर के पास में क्या है, एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है. मेरे घर के पीछे है, ये भी चलेगा. मेरे घर के सामने है, ये भी चलेगा. तो इसलिए आपके सारे ऑप्शन सही होंगे. आंसर नंबर चार आपका एग्जैक्ट आंसर रहेगा. डन. बाई का लिख लेना थोड़ा सा, जरा कहीं एक कॉर्नर में लिख लो कि बाई नियरनेस, नजदीकता को बताने के लिए भी यूज किया जाता है. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है. ही सेट बाय द फायर, वह आग के पास बैठा हुआ है. ठीक है, और वैसे भी नियर वर्ड के साथ कौन सा वर्ड प्रपोजिशन यूज होता है? नियर बाय बोलते हैं ना, नियर बाय, के आसपास. नियर बाय का मतलब क्या बन जाता है? के आसपास. मेरा घर रोड के आसपास है, तो नियर बाय द रोड. ओके ठीक है भाई, तो ये तीनों क्लियर हो गए होंगे, बिसाइड, बिहाइंड और बिसाइड्स. हम कौन सा करें? सिंस करवा दिया था ना. करवा दिया था, ठीक है. उसके अलावा कौन बच गया है? अक्रॉस और थ्रू. थ्रू को देखिए, थ्रू एक होता है अक्रॉस. थ्रू का मीनिंग होता है मे से, ये इनटू के जैसा ही है, मे से. अक्रॉस का मीनिंग होता है इस पार से उस पार. अक्रॉस का मीनिंग क्या होता है? इस पार से उस पार. ठीक है, अब देखिए थ्रू. अगर ना जैसे ये लिखा हुआ है, वंस अपॉन अ टाइम आई वॉज गोइंग डैश द
डीप फॉरेस्ट, डीप फॉरेस्ट। एक समय की बात है, मैं जा रहा था घने जंगल में से, घने जंगल में से, ठीक है। तो आप ना इस जगह पर कुछ चीजें को यूज कर, आप इनटू का भी यूज कर सकते हैं, सही माना जाएगा। थ्रू का यूज करते हैं तो भी सही माना जाता है, ठीक है। बट होगा क्या कि ना थ्रू स्पेशली डीप डीप चीजों के लिए यूज हो रहा है, डीप फॉरेस्ट लिखा इसने, घने जंगल में से। अक्सर कहते हैं कि जो फॉरेस्ट होता है ना वो घर होता है किसका, वाइल्ड एनिमल्स का। किसका, वाइल्ड एनिमल का क्या होता है, घर होता है, ठीक है। तो उस दौरान इसमें इनटू का भी यूज किया जाता है और थ्रू का भी यूज किया जाता है। वैसे थ्रू का यूज तब होता है जब आप बोलते हैं कि एक ट्रेन है जो सुरंग में से निकली। सुरंग को क्या बोलते हैं, टनल बोलते हैं ना, टनल। तो थ्रू द टनल, क्या बोला, थ्रू द टनल, तब इसका ज्यादा यूज किया जाता है। एक ही जगह पे यूज है, लिखिए थ्रू के बारे में थोड़ा सा। सुरंग के लिए थ्रू का यूज किया जाता है, सुरंग के लिए थ्रू का यूज किया जाता है। ठीक है, अक्रॉस का होता है इस पार से उस पार, ऐसी कोई जगह जो प्लेन है, प्लेन यानी कि बिल्कुल समतल है, जिसके ऊपर छत छतनी से किसी खेत के अंदर से निकले तो अक्रॉस द फील्ड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से प्लेन लैंड के लिए किसका यूज होता है, अक्रॉस का यूज होता है, इस पार से उस पार, एक तरफ से दूसरी तरफ अगर होता है। वैसे एक तरफ से दूसरी तरफ के लिए कुछ वाक्यों में ओवर भी यूज होता है, ठीक है, कुछ वाक्यों में अक्रॉस का भी यूज करते हैं। तो लिख लेना कि प्लेन, समतल भूमि या अर्थ के लिए, प्लेन लैंड के लिए अक्रॉस का यूज किया जाता है। इसका एक ही यूज आता है स्पेशली थ्रू का, और वो कब आता है, टनल वाला अगर पूछ ले तो थ्रू यूज होगा उसमें। अब कौन से रह गए, थ्रू भी हो गया, अक्रॉस भी हो गया है, इनटू भी हो गया है, अलोंग का कर लो, के पास पास, के किनारे किनारे, अलोंग, अमंग, बिटवीन, ये पड़े हुए करते हैं फटाफट, अलोंग कीजिए। अलोंग का मीनिंग होता है के पास या के किनारे किनारे, के किनारे किनारे। एक तो रोड का बताया था मैंने, रोड पर पैदल चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं तो किसका यूज होगा, अलोंग का बोला था, ठीक है। किसी भी समंदर, सी के किनारे किनारे वॉक कर रही है तो अलोंग द सी बोला जाता है, अलोंग द सी, ठीक है। यानी कि किसी के सहारे सहारे किनारे किनारे चल रहे हो आप, समंदर के अंदर तो चलने से रहे, उसके सहारे सहारे टहलोगे तो अलोंग का यूज होता है। ओके ये अलोंग हो गया, अलोंग का सिर्फ एक ही यूज है। बस रोड वाला ध्यान रखना थोड़ा सा, इससे रोड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। बोलना क्या पूछ रहे हो, विद, विद का मीनिंग होता है के साथ साथ, के साथ, विद के साथ। राम विद हिज फ्रेंड्स वॉकिंग along the Red Sea, see, राम उसके दोस्त वॉक कर रहे थे, was कर लेना, was walking along the Red Sea, लाल समंदर के पास राम और उसके दोस्त क्या कर रहे थे, वॉक कर रहे थे भाई। अब कौन किसके साथ वॉक कर रहा है, राम अपने दोस्तों के साथ कर रहा है या दोस्त राम के साथ कर रहे हैं। देखो ये वोज लगाया है मैंने, है ना, सिंगुलर लगाया है तो राम सिंगुलर है बट फ्रेंड्स तो प्लूरल है, तो वर्ब किसके लिए आई थी, राम के लिए आई थी। जिसके लिए वर्ब आती है वो सब्जेक्ट इफेक्टिव माना जाता है, इफेक्टिव यानी कि प्रभावी माना जाता, प्रभावशाली माना जाता है। तो राम के साथ उसके दोस्त वॉक कर रहे हैं, ठीक है। और ये रूल भी है कि जब दो सब्जेक्ट के बीच में विद आ जाता है तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज होता है,
ये रूल भी है एक, है ना, विद भी होता है, अलोंग विद भी होता है, इन दोनों को मिक्स करके भी दिया जाता है। अलोंग विद का मीनिंग होता है के साथ साथ, साथ, ये अपने आप में कंजंक्शन होता है। अलोंग विद भी यूज होता है, ध्यान रखेंगे, दोनों को मिक्सअप भी दिया जाता है। अलोंग अकेला भी आता है, विद अकेला भी आता है, दोनों मिक्सअप कर दें तो क्या बन जाएंगे, कंजंक्शन बन जाएंगे। कहानी समझ में आई? अलोंग अकेला आए तो प्रपोजिशन है, विद अकेला आए तो प्रपोजिशन है, दोनों को मिक्सअप कर दे तो कंजंक्शन है। क्लियर है? बस इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है। और कोई एक्स्ट्रा बचा तो? बिटवीन एंड ऑन टू, वेरी गुड, हाँ ऑन टू भी बचा। चलिए बिटवीन का यूज करते हैं पहले। बिटवीन के बीच में, के बीच में, ठीक है, बिटवीन होता है स्पेशली फॉर टू नाउन्स और प्रोनाउन्स के लिए यूज होता है। टू नाउन्स या एंड प्रोनाउन्स, दो संज्ञा या दो सर्वनामों के लिए यूज किया जाने वाला एक प्रपोजिशन है भाई ये, ठीक है। कभी कभार बिटवीन को कंजंक्शन भी बना दिया जाता है, कभी कभार बिटवीन को कंजंक्शन बना दिया जाता है। कंजंक्शन बनाओगे तो इसका एक पेयर रहेगा और वो रहेगा एंड। जब ये कंजंक्शन बनेगा, देखो बिटवीन अकेला आए तो बनता है प्रपोजिशन, ओके। बिटवीन के साथ एंड आ जाए तब बनेगा कंजंक्शन, डन, ठीक है। एक वाक्य देता हूं, बताना सही है या गलत है जरा। दे डिस्ट्रीब्यूटेड दीज बुक्स बिटवीन मी एंड बिटवीन आई एंड यू, बुक्स कर दो। दे डिस्ट्रीब्यूटेड, उन्होंने बांट दी ये किताबें किसके बीच में, मेरे और तुम्हारे बीच में, ठीक है। सही है गलत है बताना जरा। प्रपोजिशन कौन सा है? बिटवीन आया। पेयर कौन सा लग गया है? एंड लग गया है। ये चीज तो दोनों कंबाइन है, ये तो सही है। यू एंड मी नहीं आएगा क्या? अच्छा, इसको यू को पहले ले आओ भाई, और फिर किसको ले आते हैं? आई आई है ये, मी है नहीं, ऐसे यू एंड आई, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी बनती है, संभावना है ऐसी कोई। बदलने से क्या होता है, ऐसे तो कोई संभावना नहीं बनेगी। ये यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था, खूबसूरत तो लग रहा है आई, और तुम और ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे तो यहाँ पे बड़े हुए। ऐसा कुछ नहीं है, प्रपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, बताया था मैंने। तो यू, आई एंड यू नहीं, मी एंड यू, मी एंड यू आना चाहिए था। अरे प्रपोजिशन नहीं है क्या? है ना, उसके बाद प्रोनाउन आई है ना दो, एक ये वाला और एक ये वाला, ये नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव आएगा जो ऑब्जेक्ट की जगह यूज होते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है, यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होता है, ये तो सही लगा हुआ है, ये गलत था। ओके, उतारिए फटाफट, बिटवीन को उतार लेना। के बीच में, इसका अर्थ होता है दो नाउन होने चाहिए या दो प्रोनाउन होने चाहिए, ये यूज होगा तब, ओके। और ये कंजंक्शन भी बनता है जब इसके साथ एंड आ जाता है, इसका पेयर होता है। ये एग्जाम में आपको बट और नोर, नीदर ऐसे वाले पेयर मिलेंगे बिटवीन के, जो सरासर गलत होंगे, ओके। एग्जाम के दौरान ध्यान रखना है कि बिटवीन अगर दिखा ना कहीं पर भी तो रुकिए, एक बार रुक, अभी मत रुकना, एग्जाम के दौरान बोल रहा हूँ। तो बिटवीन अगर एग्जाम में मिले तो थोड़ा सा रुके, उसका पेयर चेक करें, फिर चेक करें कि कितने लोगों के लिए यूज हो रहा है। ये हो सकता है अमंग भी आ जाए, क्योंकि अमंग का भी मीनिंग क्या होता है कि बीच में होता है, वो मोर देन टू से यूज होता है, दो से अधिक के लिए अमंग का यूज करना पड़ता है फिर,
ओके, ये हो गया बिटवीन। ठीक है, इसी के साथ प्रपोजिशन का चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। जितने भी बच गए हैं उनको आप बुक में जाकर एक बार रीड करेंगे, इंपॉर्टेंट लगते हैं तो उनको नोट्स में भी ऐड करेंगे अपने। समझ में आया? आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं तो वो इंपॉर्टेंट ही है मान लो। ठीक है, कि विद्यार्थी को जो इंपॉर्टेंट लगा वो इंपॉर्टेंट होता है, है? वो आपको सारी आप प्रैक्टिस सेट के दौरान करवाएंगे। छोटे छोटे बहुत सारे बच गए हैं, प्रैक्टिस सेट देंगे, कभी टेस्ट लेंगे तो उसके साथ क्लियर करवा देंगे। ठीक है, बट बड़े बड़े जितने भी थे वो सारे के सारे अपने डिस्कशन कर लिए हैं। ओके, कल नया टॉपिक शुरू करेंगे, कौन सा करें? डिटरमिनर्स है आप वाला करना है ना, टेंस करते, टेंस। ठीक है, टेंस शुरू करते हैं कल।